अभी अंदर जा रहे हैं, सुपर एक्साइटेड। ओह माय गॉड, पहली बार स्टेडियम के अंदर इंडिया वर्सेस। बहुत मजा आया एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है, बहुत मेहनत करती है एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Hi everyone, good morning and welcome back to my channel. This is your Sikkim girl and I'm back with new vlog. So guys, आज का morning start होता है Sri Lanka से। So yeah guys, अभी नीचे जाते हैं and breakfast कर लेते हैं, तो चलते हैं। एंड आप सबको मैं ये होटल का नज़ारा भी दिखाऊंगी। कल तो रात हो चुका था तो बहुत टायर्ड भी हो गई थी, तो मैं जल्दी सो गई। सो आज हम आपको दिखाएंगे कि श्रीलंका कैसा है। ओके, एंड आज के लिए मेरे दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है ये सब चीज़ें आपको सब पता चल ही जाएगा, इसीलिए बिना स्किप करे आप लोग को देखना ही पड़ेगा। एंड इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग के प्यार और सपोर्ट के वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी नीचे जाते, ठीक है? तेरे हवाई कर लिया सौ शनम देखता तो मेरा रास्ता जो भी है। सो गाइस, ये होटल का नाम है ताज समुद्र कोलंबो। तो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए निकले थे तो इतना अच्छा नज़ारा मेरे को देखने को मिला सुबह सुबह। चेक दिस आउट गाइस, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत अच्छे से दिखता है यहाँ से, बहुत अच्छे से, सो ब्यूटिफुल। सो अभी नीचे जाते, इट्स ऑलरेडी 9:30, तो अभी जल्दी जल्दी नीचे जाते। ओके, आई वॉन्ट ले। ओके, हले कर लिया। What is this? Kiribati. Kiribati. Okay. This is Pittu. Okay. In Sri Lanka, this is called as Pittu. Pittu. Same thing is available in India in a place in Kerala. Kerala. Puttu. Puttu. So okay. Puttu and Pittu, it's same. It's made with rice flour. So rice flour is slightly roasted and then coconut and rice flour is mixed together. Okay. And then a little bit of water required to make it moist, and then it is filled up into this. Layer by layer. Okay. First you put the mixture, then you put some coconut, then mixture, then coconut, and then it is steamed. Okay. And then you're supposed to have it with the curries. Curries. Some curries and this. And this is called hopper. Okay. This is called hopper, but in India, in Kerala, we call it as appam. What? Appam. Appam. Okay. Okay. Same thing. It is made with rice flour mixed with coconut milk. And actually, in down Kerala, we put toddy. Okay. Over here, I mean, they can put toddy, but they can put yeast also. Okay. And it's supposed to ferment. Mm-hmm. It's supposed to be made in the night and kept so that it comes frothy. You see the batter? Batter will be frothy, like this. Okay. And then this comes out. Okay. So here there's a version that we make it with egg. Eggs, you can also make it with jaggery and make it like a sweet one also. Okay. This one, madam, bold kiribati. Kiribati, milk rice. Milk rice. Okay, nice. And accompaniment. How to? श्री लंकन फूड, इट इज कॉल्ड पिट्टू। आई डोंट नो इसका नाम मैं भूल गई, मैं फिर से पूछूंगी। लेट मी ट्राई हाउ इट इज।
इसको बोलते हैं पिट्टू और बहुत पसंद आया। इसको इंग्लिश नेम इज कॉपर्स। दिस इट इज श्रीलंकन स्प्रिंग कॉपर्स। दिस वन मिल्क प्राइस। ओके एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज कोल्ड रोटी। व्हाट रोटी? कोल्ड रोटी। सो गाइस आई एम ट्राइंग श्रीलंकन फूड फॉर फर्स्ट टाइम। लेट्स ट्राई। यस आई आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने आप लोग को कल ही बोला था ना, यहाँ पे हर चीज़ नारियल से ही बनता है। हर चीज़ ऐसे मिला जो कैरेला, ये भी नारियल से बना है। अभी मैंने ये खाया, ये भी नारियल। ब्रेकफास्ट भी कर लिया तो अभी लेट्स रोम अराउंड। करके भी मैं अपने रूम पे वापस आ चुकी हूँ एंड आप लोग को मैंने दिखाया ब्रेकफास्ट में मैंने क्या खाया। स्पेशली मैंने ट्राई किया श्रीलंकन ब्रेकफास्ट क्योंकि मेरे को जानना था कि श्रीलंका में क्या क्या मिलता है ऐसे नॉर्मली बोल के। साथ मैंने एक दो रील्स वगैरह बनाया एंड मैंने कंपाउंड के अंदर एक दो चक्कर लगाया। आप लोग को ब्लॉग में दिख ही जाएगा वीडियोज़ वगैरह में एंड आई एम फीलिंग गुड राइट नाउ। मेरे को अच्छा लग रहा है तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी रेडी वेडी हो के अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आपको मैं सब रेडी हो के उसके बाद आप लोग को बताऊँगी। बाल को मैंने अपने आप ऐसे बनाया है। सो गाइज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इतने बड़े स्टेडियम में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच देखने का मेरे को मौका मिला। आई एम सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी निकलते हैं एंड आप सबको मिलते हैं एंड आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताना एंड मैं सब चीज़ आपको दिखाऊँगी एंड क्या पता टी वी में भी दिखूँगी। सो गाइज आ चुका है हमारा घर। सो गाइज हम लोग स्टेडियम पहुंचने वाले हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो श्रीलंका का फ्लैग। फाइनली अभी हमारा चेकिंग भी हो गया है तो अभी अंदर जा रहे हैं। सुपर एक्साइटेड, ओह माय गॉड, पहली बार स्टेडियम के अंदर इंडिया वर्सेस श्रीलंका। सो गाइस अभी टिकट भी दिखा दिया, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। थैंक यू।
sanctuary. Yes. If they played to their potential. So guys, right now we are watching cricket match. So acha lag raha hai. One may lose, one may win. It is just a part of game. Yes, huh? Yes, actually, yes, correct. So, guys, dekhte rehna. Let's hope for the best. Yes, good. Hope for the good game. Yes, guys. You guys are from Sri Lanka. Yes. Nice to meet you. You too. You too. What do you think about the match? Yeah. Obviously, India will win. No, we don't think about it. ओके यार, वी आर डन फॉर टुडे शूट. बहुत मज़ा आया आज हम लोगों को. एंड आज का प्लान अच्छा लगा. कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट टाइम इस एक्सपीरियंस कर रही हूँ. बहुत अच्छा, वो भी इंटरनेशनल. मज़ा ही आ गया. और अभी हम जा रहे हैं क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग हमको निकलना है. सो गाइस, अभी क्रिकेट मैच देखे वापस होटल आ चुके हैं. सो एकदम हैक्टिक डे था आज. अभी डायरेक्टली डिनर करने के बाद ऊपर जाते हैं. डिनर भी लग चुका है बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7:30. भूख भी लगा है. सो या आई हैड अ गुड टाइम. फर्स्ट टाइम इन स्टेडियम, वो भी इंडिया श्रीलंका का मैच देखने के लिए. तो आई एम वेरी 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 मच हैप्पी. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी विराट कोहली, जो टीवी में देखते थे. आज मैं सीरियसली उनके सामने आंखों से मैं देख रही थी, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मौका भी मिलेगा. तो ऑल थैंक्स टू परी मैच फॉर गिविंग सच एन अपॉर्चुनिटी टू मी. एंड या गाइस, अभी खाना सब रेडी हो चुका है. सुबह तो मैंने आपको दिखाया था कि श्रीलंकन फूड. अर्ली मॉर्निंग मेरे को निकलना पड़ेगा. कल 8:30 का फ्लाइट है टू दिल्ली. तो कनेक्टिंग फ्लाइट डायरेक्टली टू बागडोगरा है. सो सुबह सुबह निकलना पड़ेगा. 4:30 में तो हमें निकलना पड़ेगा. सो अभी जल्दी जल्दी खा के मेरे को सोना पड़ेगा. आई नीड अ रेस्ट. सो अर्ली मॉर्निंग में अच्छे से निकलो. और श्रीलंका इज गुड एंड पीपल आउट हियर, एवरीवन इज़ वेरी मच हम्बल, वेरी नाइस. या गाइस, अभी खाना क्या क्या खाऊंगी वो आप सबको दिखाऊंगी उसके बाद. सो गाइस, इट्स नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो गाइस, कल वाला व्लॉग मैं आज ही एंड करूंगी क्योंकि कल मैं जल्दी सो भी गई थी. क्योंकि अभी का बज चुका है 4:30 अर्ली मॉर्निंग की, क्योंकि मेरा फ्लाइट है 8:30 को. बट इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए बहुत ही जल्दी ही पहुँचना चाहिए. एंड होटल से एयरपोर्ट के रास्ते 1 घंटे का है, तो इसीलिए अभी 4:30 तो हो गया है. सो या गाइस, अभी श्रीलंका को बाय बाय करते अपने वापस भारत चले जाते. पैकिंग वगैरह सब हो चुका है. एंड होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा. बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं रियल लाइफ में विराट कोहली जी को देखा, बहुत सारे क्रिकेटर को देखा, श्रीलंकन क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर सबको देखा. एंड आई फाइंड हियर पीपल वेरी नाइस, वेरी हम्बल इन श्रीलंका. बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा. शॉर्ट ट्रिप था बट मेमोरेबल था, बहुत ही अच्छा लगा. होप आई कम बैक सून और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे. एंड या गाइस, अभी पहुँचते एयरपोर्ट एंड आप लोग के साथ मिलते हैं. तो बने रहिए मेरे साथ.
We are leaving now. अभी 5 बज चुका है। अंदर भी आ चुके हैं एयरपोर्ट के। अभी हम लोग जा रहे हैं लाउंज पे। सबसे पहले हमें ये सामान वगैरह देना है। सबसे पहले सो गाइज हम लोग फ्लाइट में चढ़ चुके हैं। ये देखिए आप लोग के बाबू भैया जी। सो कैसा लगा आपको मेरे साथ सफ़र में? ओके थैंक यू सो मच। तो वी हैड अ गुड टाइम। बहुत ही अच्छा लगा स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए। ऑल थैंक्स टू आवर ब्रांड प्रमोशन। नेक्स्ट टाइम कोलैबोरेशन मिल जाएगा। सो या गाइज, तो थैंक्स टू बड़ी मैच एंड इनके साथ फिर से मिलवाने के लिए। सो आप ना मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? बिकॉज नाउ वी आर लीविंग सून, क्योंकि 3 घंटे के बाद। तो मैं अपना रास्ता, आप अपने रास्ते। हमारे रास्ते पहले भी अलग थे गाइज, अभी भी अलग हैं। एंड आई ब्लेस हर अ गुड लाइफ एट होप उसकी जल्दी शादी हो। बहुत मज़ा आया एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है, बहुत मेहनत करती है एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अनुराग जी भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत। और आपको अपडेट देते रहूँगी, बने रहिए मेरे साथ। एंड आपके बाबू भैया को तो ऐसे ही प्यार मिल ही रहा है, हमको भी थोड़ा सा प्यार दीजिए। थैंक यू। सो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है। चेक दिस आउट, एवरीवन इज स्लीपिंग। सो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले दिल्ली, उसके बाद मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट डायरेक्ट टू बागडोगरा एंड आफ्टर दैट आई विल बी बैक टू सिक्किम। सो यार देखते रहना एंड आप लोग को ब्लॉग कैसे लगा बताते रहना। सो पासपोर्ट को चेक करवा के सामान वगैरह लेके अभी हम लोग जा रहे हैं टर्मिनल 2। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली, दिल्ली टू बागडोगरा है। सो आज वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नया स्टार्ट करेंगे आफ्टर रीचिंग होम। सो गाइस आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा ओके बोल के मैं आशा करती हूँ। तो बाय, हैव अ ग्रेट डे।